हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई गोल्डन रिट्रीवर पप्पी अपने घर ला रहे हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो प्योर ब्रीड का है या नहीं। तो इस बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, गोल्डन रिट्रीवर पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में से एक है, जबकि इंडिया में ये थर्ड मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है। इन्हें बहुत से लोग अपने साथ एज अ पेट घर में रखना चाहते हैं, जिसकी एक खास वजह भी है। ये छोटे बच्चों के साथ भी आसानी से रह सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और बड़ी फैमिलीज के साथ भी आसानी से रह सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो गोल्डन रिट्रीवर परफेक्ट फैमिली डॉग्स में से एक है। कई बार जब लोग गोल्डन रिट्रीवर पपी लेने जाते हैं तो उन्हें मिक्स ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर दे दिया जाता है, जो बचपन में तो पता नहीं चलता, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि वो असली गोल्डन रिट्रीवर नहीं है। तो कैसे पता करें जो हम पपी ले रहे हैं वो प्योर ब्रीड का गोल्डन रिट्रीवर है या नहीं। दोस्तों, गोल्डन रिट्रीवर तीन टाइप्स के होते हैं, अमेरिकन गोल्डन रिट्रीवर, कनेडियन गोल्डन रिट्रीवर और ब्रिटिश गोल्डन रिट्रीवर। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर अमेरिकन गोल्डन रिट्रीवर पाए जाते हैं। गोल्डन रिट्रीवर की प्योर ब्रीड को आइडेंटिफाई करने का फर्स्ट तरीका है इनका कोट। जब भी हम गोल्डन रिट्रीवर लेने जाते हैं तो डॉग को देखने के बाद सबसे पहले हम उसका कोट देखते हैं। गोल्डन रिट्रीवर पपीज जब छोटे होते हैं तो उनमें किसी किसी का कोट गोल्डन होता है और किसी किसी का कोट गोल्ड के लाइट शेड में आता है। लेकिन गोल्डन रिट्रीवर पपी के ईयर के पास, नोज के पास और फीट के पास बॉडी के गोल्ड शेड से डार्कर गोल्ड शेड रहता है। गोल्डन रिट्रीवर को आइडेंटिफाई करने का सेकंड तरीका है इनकी टेल। गोल्डन रिट्रीवर की टेल लैब्राडोर जैसी होती है, लेकिन लैब्राडोर की टेल में कम बाल होते हैं, जबकि गोल्डन रिट्रीवर की टेल में ज़्यादा और घने बाल होते हैं। इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि गोल्डन रिट्रीवर की टेल ऊपर की तरफ कर्ल नहीं होती, यानी मुड़ी हुई नहीं होती। अगर ऐसा है तो वो प्योर ब्रीड का गोल्डन रिट्रीवर नहीं है। गोल्डन रिट्रीवर की टेल हमेशा स्ट्रेट रहती है, थोड़ी ऊपर या फिर नीचे हो सकती है, लेकिन ये हमेशा स्ट्रेट रहती है। लेकिन इनकी टेल थोड़ी सी कर्व्ड भी होती है। गोल्डन रिट्रीवर को पहचानने का थर्ड तरीका है इनके ईयर्स। गोल्डन रिट्रीवर के ईयर्स उनके सर के साथ एकदम चिपके हुए होते हैं, ये ट्रायंगल की शेप में होते हैं, नीचे की तरफ झूले हुए। गोल्डन रिट्रीवर के ईयर्स वैसे तो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, लेकिन जब इनको आपसे प्यार चाहिए होता है तो ये अपने कान को हल्का सा पीछे की तरफ बेंड कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली इनके कान नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं और इनके कान ऊपर की तरफ तो खड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए। गोल्डन रिट्रीवर के ईयर्स को चेक करिए कि उनमें घने और लंबे बाल होने चाहिए, एकदम शॉर्ट हेयर नहीं। फोर्थ तरीका है इनके बाल। गोल्डन रिट्रीवर के बाल बचपन से ही लंबे होते हैं, लेकिन आपको लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर मिक्स भी दे दिया जा सकता है, जिनमें ये सारी खूबियाँ तो होंगी लेकिन उसके बाल छोटे होंगे। आप पपी के बालों को अच्छी तरीके से चेक करिए कई जगहों पे, जैसे ईयर्स के पास, पैरों के पास और टेल के पास। इस बात का ध्यान रखें कि गोल्डन रिट्रीवर पपी के बाल अडल्ट जितने बड़े नहीं होते, लेकिन हाँ, इनके बाल लैब्राडोर जैसी डॉग ब्रीड से ज़्यादा बड़े होते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि गोल्डन रिट्रीवर के कोट में कोई ब्लैक कलर की या फिर वाइट कलर की अलग से कोई मार्किंग ना हो। इनके फेस के पास और चेस्ट के पास वाइट कलर का हल्का सा शेड हो सकता है, लेकिन इनके बॉडी में कोई वाइट कलर के या फिर किसी दूसरे कलर की मार्किंग नहीं होती। गोल्डन रिट्रीवर को अगर आप किसी अच्छे और पॉपुलर डॉग ब्रीडर से लेंगे तो उसके मिक्स ब्रीड होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। गोल्डन रिट्रीवर को कभी भी आप किसी पेट शॉप से ना लें, और गोल्डन रिट्रीवर पपी लेते वक्त उनके रजिस्ट्रेशन पेपर ज़रूर चेक करिए, जिससे ये प्रूव होता है कि वो डॉग प्योर ब्रीड का है और एकदम रजिस्टर्ड है। हो सके तो उन पपीज के मदर से भी मिलने की कोशिश करिए और देखिए कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है, और ये भी चेक करिए कि उसे कैसी हालत में रखा गया है। बहुत से डॉग ब्रीडर अपने डॉग को किसी बंद जगह में रखते हैं और उन्हें दूसरों के साथ अच्छी तरीके से सोशलाइज नहीं करते, इसलिए आपको चेक कर लेना चाहिए। गोल्डन रिट्रीवर पपी लेते वक्त उस डॉग ब्रीडर के पास जितने भी पपीज हैं आप उन सबसे मिलिए और देखिए कि उन पपीज़ में से आपके साथ सबसे ज़्यादा फ्रेंडली कौन है और कंफर्टेबल कौन है। जो पपी आपके साथ खुश है आप उसी को एज अ पेट अपने घर लेकर आएँ। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड कि कैसे हम प्योर ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर को आइडेंटिफाई करें।
और पॉपुलर डॉग ब्रीड के बारे में जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।